हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पदार्थ को जो है भौतिक अवस्था के आधार पर विभाजित किया था, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। आज हम लोग पदार्थ को रासायनिक संरचना के आधार पर विभाजित करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, पदार्थ को हम लोगों ने भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भाग में बांटा था, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। आज हम लोग रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में। इसको हम लोग बोलते हैं तत्व यौगिक को जो है शुद्ध पदार्थ। और ये हो गया, इसको दूसरा मिश्रण हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक हो जाएगा तत्व, इसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, दूसरा यौगिक। इसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं, और मिश्रण, मिश्रण को मिक्सचर। तो रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोग पदार्थ को जो है तीन भागों में बांटते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में। तो मिश्रण का भी जो है इसमें, इसे भी हम लोग दो टाइप में बांटते हैं, एक हो जाएगा समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। इसको हम लोग बोल सकते हैं सामांगी को होमोजीनस, मतलब एक समान। इसको विषमांगी को हेटरोजीनस। तत्व को जो है हम लोग सरल पदार्थों में इससे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे इसका उदाहरण हो जाएगा कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन इटीसी। यौगिक का उदाहरण हो जाएगा जिसे H2O, CH4 या तो फिर हम लोग ले सकते हैं NaCl,
और विसमांगी समांगी मिश्रण में हो जाएगा, जैसे जल और चीनी का मिश्रण, और इसमें विसमांगी में ले सकते हैं हम लोग बालू और नमक का मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में जो है हम लोग इसको दो इसमें तत्व और यौगिक को रखते हैं। इसमें जो है तत्व को जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे डिटेल में। तत्व का उदाहरण जैसे हो गया कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, हाइड्रोजन इत्यादि। यौगिक का उदाहरण हो जाएगा ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है। यौगिक हो गया H2O जैसे CH4, मीथेन, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये फिर मिश्रण में हम लोग देखेंगे तो समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समांगी मतलब हुआ एक समान, होमोजीनियस मतलब एक समान हम लोग बोलते हैं। जल और चीनी को घुला देंगे तो उसका बिलियन बनेगा, तो जो है हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि उसमें चीनी और जल में दोनों अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया समांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण मतलब हुआ एक समान नहीं होगा, जैसे बालू और नमक का मिश्रण। बालू और नमक को मिला देंगे तो हम लोग वो दोनों में अंतर हम लोग देख सकते हैं। मिलाने के बाद भी बालू का कण जो है और नमक का कण जो है दोनों को हम लोग अंतर कर सकते हैं, उसको उसमें अंतर बता सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे तत्व। तो तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम लोग इसे सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे तत्व का जैसे आयरन अगर हम लोग लेते हैं, आयरन लोहा, तो इसको हम लोग इसका छोटा छोटा टुकड़ा करते जाएंगे तो अंतिम स्थिति ऐसा आएगा कि जो है इसका लोहा का सबसे छोटा कण जो मिलेगा, इसका सबसे छोटा कण, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु कहलाता है और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। ये चीज़ दोनों में डिफरेंशिएशन दोनों में हम लोग इसको याद रखेंगे। तो जो किसी तत्व को जो है अगर इसको छोटा से छोटा टुकड़ा अगर हम लोग करते जाएंगे तो अंतिम स्थिति ऐसा आएगा कि वो जो है उससे उसका टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वही चीज़ कहलाएगा सबसे उसका छोटा इकाई परमाणु। जिस तरह से जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका होता है, सेल, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में जो है सबसे छोटा इकाई परमाणु होता है। तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसमें किसी तत्व में
एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आयरन का अगर हम लोग परमाणु का एक परमाणु का दूसरे परमाणु से तुलना करेंगे तो दोनों जो है दोनों में समानता होगा। हर दृष्टि में उसका जो है केमिकल कंपोजिशन सारा चीज़ उस पर आवेश चार्ज कितना है प्लस माइनस जो भी चार्ज रहेगा तो उसमें जो है सभी समान होगा। तो एक तत्व का जो है जितना भी परमाणु होगा सभी आपस में समान होगा। तो वही कहा जा रहा है किसी तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तब हम लोग देख लेते हैं तत्व का क्या गुण होता है। किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा तत्व को दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया सकता है। तो पहला गुण हो गया किसी भी तत्व का गुण, पहला जो हो गया किसी भी भौतिक या मतलब कोई भी इसका भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा तत्व को जो है दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ में हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व को कितना भी तोड़ेंगे तो जो है तो उसका तत्व का ही परमाणु मिलेगा, कोई दूसरा पदार्थ का परमाणु उसमें नहीं मिलेगा। यही इसका पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है दो या दो से अधिक पदार्थ पदार्थों को संयोग कराकर तत्व का संश्लेषण नहीं किया सकता है। तो तत्व का गुण हो गया दो या दो से अधिक पदार्थ में इसको हम लोग कोई भी विधि के द्वारा, पहला तो हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते हैं, और दूसरा उसका गुण हो गया दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग रासायनिक संयोग के द्वारा हम लोग तत्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व को पदार्थ को मिलाएंगे तो जो है यौगिक बन जाएगा या तो फिर मिश्रण बन जाएगा, तत्व नहीं बनेगा। तो ही तत्व का गुण हो गया। अब हम लोग देखते हैं तत्व को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एलिमेंट को धातु और धातु और उपधातु में।
तत्व को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, पहला हो जाएगा धातु, इसको हम लोग मेटल बोलते हैं, दूसरा अधातु, नॉन मेटल, और तीसरा उपधातु। उपधातु इसको मेटलॉइड कहते हैं। तो इसका विशेषता क्या क्या हो जाएगा धातु का, ये चमकीला होता है, दूसरा ताप और विद्युत का कुछ अलग होता है, ताप और विद्युत का सुचालक होता है, ये आघात वर्धनीय, और तन्य होता है। ये हो जाएगा प्रतिध्वनि पूर्ण होता है, जैसे हो गया एग्जाम्पल इसका आयरन, कॉपर, इत्यादि। तो धातु में सभी हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसका शॉर्ट में उसको समझ लेते हैं। धातु जो है सभी चमकीला होता है, उसमें चमक पाया जाता है, जैसे आयरन हो गया, सोना, चांदी जितना भी है सभी में। ताप और विद्युत का सुचालक होता है, जितना भी मेटल में आएंगे तो हम लोग सभी जो है उसमें ताप और विद्युत का सुचालक होता है, जैसे कॉपर हो गया, सबसे ज़्यादा विद्युत चालक उसमें विद्युत चालकता जो है चांदी में होता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग इसमें जो है सबसे ज़्यादा सुचालकता जो है चांदी में पाया जाता है, उसको हम लोग याद रखेंगे। आघात वर्धनीय और तन्य होता है, तन्य मतलब इसको हम लोग इसे पतला पतला तार बना सकते हैं, और आघात वर्धनीय इसे जो है हम लोग इसको चादर बना सकते हैं, इसको पीट करके पतला पतला चादर बना सकते हैं। आघात वर्धनीय प्रतिध्वनि पूर्ण, इस पर जो है हम लोग चोट करते हैं तो जो है ये आवाज़ करता है, ये इसमें ध्वनि मिलता है, एक खास तरह का ध्वनि निकलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रतिध्वनि पूर्ण। और वह धातु में ठीक इसका इसका करैक्टर जो है सभी उल्टा होता है, अधातु में इसका जो है ये विभिन्न रंगों का होता है, ये कुछ अलग हो जाएगा, इसमें ताप और विद्युत का कुछ अलग हो जाता है, और उसका ठीक उल्टा कर देना है, जितना भी गुण है आघात वर्धनीय और तन्य होता है तो इसमें आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होता, इसमें ध्वनि निकलता है तो इसमें जो है ध्वनि वैसा कोई खास ध्वनि नहीं निकलता है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो जो है इस पर हथौड़ा से अगर पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, नॉन मेटल। तो ये इसका मेन कैरेक्टर हो गया, ये कुचालक होता है धातु और धातु में, और उपधातु में जो है इसमें धातु का कैरेक्टर भी पाया जाता है और अधातु का कैरेक्टर भी पाया जाता है, इसीलिए जो है इसको बीच के कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया उपधातु मेटलॉइड। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा बोरोन, सिलिकॉन, बी हो गया, बी से
बोरोन, एस ए सिलिकॉन, जर्मेनियम जी, एस बी एंटीमनी, टी टेल्यूरियम, तो बोरोन का प्रयोग जो है इसको पटाखा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है फायर क्रैकर बनाने के लिए, क्योंकि इसको जो है ये इसमें विस्फोट करने के बाद जो है हरा रंग में बदल जाता है। ये बोरोन इसका फायर इंडस्ट्री में फायर क्रैकर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसका जो है हम लोग चिप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसे कंप्यूटर में इसका उपयोग होता है, सिलिकॉन चिप का इसका निर्माण करते हैं। इसी तरह जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है। तो आज हम लोगों ने जो है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखे, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड, उसके बाद हम लोग मिक्सचर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।